हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आई हो आप लोग खुश होंगे, बहुत 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 ही अच्छे से होंगे। और अभी बाल वगैरह तो गाड़ी में पूरे उड़ चुके हैं। और ये देखिए, मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों आ गए वासी शादी में। हमारे फ्रेंड की बेटी की शादी है तो हम लोग वासी आ गए हैं शादी में। और शादी है आर समाज में। चलिए आज आपको पूरी शादी दिखाते हैं, ठीक है? बोलो। धुंधला आ रहा थोड़ा। ये यहाँ मंदिर का है ना, और समझ गए। चलो छोटे, अच्छा नहीं आ रहा क्या? क्वालिटी देखो तो दे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत 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 ही अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ आर समाज की शादी किस तरीके से होती है। आज मैं पहुँच चुकी हूँ अपने दोस्त के बेटी की शादी में। तो आर समाज में शादी कर रही है, तो चलिए फिर दिखाती हूँ। आप लोग भी देखिए आर समाज की शादी किस तरीके से होती है, कितने फेरे लगते हैं, पंडित जी कैसे मंत्र बोलते हैं, किस संस्कार से, किस विधि विधान से होती है। गाइस, हमने तो कभी नहीं देखा था कि गाइस कि आर समाज में एक शादी कैसे, केवल सुना था। तो फर्स्ट टाइम मेरा भी है जो मैं आर समाज की शादी देखने के लिए पहुंच गई हूं। और मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया था और कार्ड भी आया था कि शादी आपको ज़रूर अटेंड करनी है। तो हम दो फैमिली मिलकर गए थे, मैं गई थी, मेरी फेवरेट वाली फ्रेंड भी गई थी। हम दोनों फैमिली मिलकर गए हुए थे वासी पर। तो गाइस आप लोग देखिए आर समाज की शादी, और सब जगह की शादियां तो हमने अटेंड करी है और हर जगह की शादियां हमने देखी है, आर समाज की शादी कभी नहीं देखी थी। तो गाइस शायद आप लोगों में से ऐसा कोई होगा जिन बहुत से लोगों ने आर समाज की शादियां देखी भी होगी। मैंने तो खैर कभी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देखा है। और इसमें क्या है कि इसमें कितने फेरे लगते हैं मालूम? चलिए गाइस आप लोगों को बता ही देती हूँ हम लोगों में कैसा है। गाइस इसमें 7 फेरे शादी में लिए जाते हैं। आज जो शादी में मैं पहुंच चुकी हूं, इस शादी में 7 फेरे नहीं लिए जाते हैं। आर समाज की शादी में 4 फेरे लिए जाते हैं। तो जब मुझे गाइस पता चला कि 4 फेरे लिए जाते हैं तो मुझे ऐसा मतलब चकित हो गई कि अरे 4 फेरों में शादी तो कभी होती ही नहीं। 4 फेरा तो मैंने कभी सुना भी नहीं था, कभी मैंने 4 फेरों की शादी देखी भी नहीं थी। गाइस तो 4 फेरों की भी शादी होती है और उसमें भी पंडित जी मंत्र बोलते हैं, विधि विधान संस्कार से होते हैं। तो चलिए आप देखिए किस तरीके से होती है। गाइस शादी तो बहुत सिंपल तरीके से हुई है, पर शादी बहुत ही अच्छी शादी हुई है। मुझे भी देखकर ये शादी बहुत ही अच्छी लगी है। गाइस सभी यहाँ पर लावा परसने की रस्म चल रही है। और भाई देखिए
पन्नी में हाथ में लावा लिया हुआ है और बहन के हाथ में डाल देता है, तो इसे बोलते हैं लावा परसने की रस्म। पंडित जी मंत्र बोलते हैं और लावा की रस्म। गाइस, तो यहाँ पर फेरे की रस्म शुरू हो गई है। यहाँ पर 4 फेरे लगेंगे। गाइस, तो बहुत से लोगों ने आर समाज की शादी देखी होगी, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखा होगा। मैंने नहीं देखा है, मैंने ये चीज़ आपको बता दिया है। तो शादी हो तो ऐसी, ना बैंड बाजा, ना रोड लाइट, ना जनवासा, ना तामझाम, ना फूहड़ नृत्य, ना डीजे, ना रोड जाम। वैदिक रीति से पूरे वैदिक मंत्रों के साथ आर समाज हाल में की गई शादी में सम्मिलित होने का अवसर मिला। समय की मर्यादा, टेस्टी लाजवाब भोजन, लिमिटेड लोग, वाकई काबिले तारीफ और समय की मांग है। गाइस, कहते हैं ना, गाय भी ब्याह होता है, बिन गाय भी ब्याह होता है। लग्जरी शादी, भीड़ भाड़, महंगे गिफ्ट शादी टिकने की गारंटी नहीं है। इसलिए जब दो दिलों का मिलन हो, दो आत्माओं का मिलन हो, दो व्यक्तियों के विचारों में सामंजस्य हो, तो ही परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर वैदिक रीति से की गई शादियों का अपना एक अलग ही महत्व और स्थान है, प्रासंगिक है। गाइस, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी आर समाज की शादी की ये वीडियो कैसे आप लोगों को लगी, पसंद आई या नहीं आई। गाइस, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे आप लोगों कमेंट का इंतज़ार रहता है। स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। यहाँ पर सब लोगों ने हाथ में फूल ले लिया था और चावल ले लिया था, सबको पहले से दे दिया गया था। तो शादी संपन्न होने के बाद सब लड़का और लड़की के ऊपर आशीर्वाद दिया डालकर अब ये यहाँ पर जा रहे हैं, अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेंगे और यहाँ पर मुंह मीठा करने की रस्म निभा रहे हैं अभी। गाइस, तो यहाँ पर शादी संपन्न हो चुकी है और यहाँ पर देखिए लड़का लड़की अपने बुआ से और अपनी मम्मी से, ये बुआ हैं, ठीक है। तो लड़का लड़की देखिए मेघा और उसका पति दोनों आशीर्वाद ले रहे हैं। सिंदूर दीजिए, सिंदूर खा लीजिए। हेलो, गाइस यहाँ पर ये लड़की के पिताजी खड़े हुए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं बेटी दामाद। क्या हुआ?
गैस तो शादी संपन्न हो गई है। शादी संपन्न होने के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हो चुकी है। अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर रिसेप्शन के लिए। तो यहाँ रिसेप्शन के लिए सारी व्यवस्थाएं पहले से करके रखी गई थी। तो यहाँ पर लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली दोनों पहुंच चुके हैं और हम अतिथि भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पर गैस तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे भोजन की भी व्यवस्था की गई है। पूछे क्यों कि जो भी खाने की चीज़ें बनी हुई थी यहाँ पर बिना लहसुन प्याज की बनी हुई थी, क्योंकि आर्य समाज की जितनी शादियाँ होती उसमें लहसुन प्याज नहीं होता। इनके पूरे खाने में कहीं भी लहसुन प्याज नहीं था। बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ था। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। आर्य समाज की शादी हो तो वैसी बहुत ही अच्छी शादी थी। अभी आपका तो लिया ही नहीं। गाइस तो अब रात में करीब अभी बज चुके थे 12:30 के बाद अभी हम हॉल से बाहर निकले हैं। तो हमने थोड़ी सी वीडियो रोड की शूट कर लिया है। मैंने कहा लाओ थोड़ी सी मस्ती बाहर कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। फाइनली हम लोग अब घर पहुंच गए हैं। अब इतने ज़्यादा थक चुके हैं, पूछो मैं तो चलिए फिर चाबी दो चाबी।